click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शनि की रेमेडीज के बारे में कि शनि के लिए क्या क्या रेमेडीज की जा सकती हैं। सब प्रथम शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि दुख है और शनि का जब साढ़े सती कंटक ढैया या अष्टम में उसका गोचर होता है चंद्रमा से, तो वो वक्त जो है थोड़ा खराब होता है। इसके लिए सब जो है कुछ रेमेडीज हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो सेवा। सिख धर्म में सेवा को बहुत प्राथमिकता दी गई है, और वो सेवा किस लिए, इसका मैं लॉजिक आप लोगों को समझाता हूँ। इसका लॉजिक ये होता है कि जैसे शनि का कारकत्व है, वो मेनली उसका एक काम होता है सप्रेशन ऑफ ईगो, ईगो को दबाना, जो हमारी अहम है, अहम को दबाना या ईगो को दबाना। और दूसरी चीज शनि के बारे में जो है वो ये है कि शनि उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी आवाज नहीं, उस आवाम को रिप्रेजेंट करता है जो मेहनत का काम करते हैं, जो सारे उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो मेहनत कश हैं, जो परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी जीविका आदि चलाते हैं। तो इसके लिए रेमेडी जो है इन चीजों के लिए वो ये है कि आप किसी भी धर्म स्थान में या ओल्ड एज होम में जाएं, वहां पे निस्वार्थ सेवा करें। उसमें सेवा में जैसे धर्म स्थान में जाना है तो अगर गुरुद्वारा या मंदिर में या आपके अन्य धर्म स्थान है तो उसमें ऐसे काम करने हैं जैसे स्वीपिंग, मॉपिंग, झाड़ू पोछा, मैट झाड़ने, उस प्रेमिसेस की सफाई करना, या जूतों जो वहां पे डिवोटीज आए हैं, जो वहां पे भक्त लोग आए हैं, भक्त जन आए हैं, उनके जूतों की जो है झाड़ पोंछ या पॉलिश करना, या उसके अलावा जो लंगर है या जो लंगर में जो बर्तन है उनकी सेवा करना। इसके अलावा अगर आप ओल्ड एज होम में जाते हो तो ओल्ड एज होम में तो शनि की कुछ चीजें, शनि को एक वृद्ध माना गया, शनि को एक बुजुर्ग बताते हैं, तो शनि के जो चीजें हैं जैसे तेल, काली दाल, साबुन, शैम्पू वगैरह ले जा सकते हैं। उन बुजुर्गों की आप सेवा कर सकते हैं, उनके सर मालिश कर सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, और उनसे जो है असीस या ब्लेसिंग्स जिसको बोला जाता है वो गैदर करें। क्योंकि ये सब चीजें करने से जो आपका कार्मिक अकाउंट है, जो आपके कार्मिक इफेक्ट है, जो आपकी कुंडली में शनि की वजह से, उसमें आपको कुछ फायदा होगा, कुछ वो कटेंगे, और उनकी जो आप ब्लेसिंग्स लेते हो उसमें आपको फायदा होगा। अब इसमें बात आती है अगर धर्म स्थान में जाते हैं, एक चीज और भी है, अब धर्म स्थान में जब जाते हो तो धर्म स्थान में जाने पे आपको आप महसूस करते हो कि हमारे से ऊपर एक शक्ति है, उसके आगे सजदा करते हो, सर झुकाते हो, तो एक वही जगह है जहां पे जाके हम लोग अपने अपने अहम को थोड़ी देर के लिए बेसिक कुछ वक्त के लिए, क्योंकि हर आदमी को
अपनी समझ और दूसरी दूसरे अपनी बुद्धि और दूसरे की दूसरे का पैसा बड़ा लगता होता है। तो उस अनुसार वहां जब आप धर्म स्थान में जाते हो तो धर्म स्थान में जाने के बाद आप वहां भगवान के आगे शीस निवाते हो, उसको अपने से ऊपर मानते हो। और चौथा ये है, ये कम से कम ये जो सेवा करनी है ये कम से कम 20 मिनट से ज्यादा करनी है, और ज्यादा का तो कोई टाइम ही नहीं है, 20 मिनट कम से कम करना है, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन ये है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो 20 मिनट के बाद एक्टिव होता है और हमें पसीना वगैरह आना शुरू हो जाता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी जानते हैं कि 20 मिनट का जो एक टाइम होता है बॉडी को वार्म अप करने के लिए लगता है, उसके बाद जो जो हमारे परिश्रम से जो पसीना वगैरह है फिर वो आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद ही एक्सरसाइज की जो है एक्सरसाइज का इफेक्ट आना शुरू होता है 20 मिनट के बाद। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वैसा ही करना है। दूसरी शनि के लिए रेमेडी है जी कि आप कोई किसी मजदूर आदमी को, किसी गरीब आदमी को जिसके पैर में जूता नहीं है, लेकिन वो भिखारी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपना परिश्रम करके कमा रहा हो, लेकिन वो अपने पैर में जूता नहीं पहन पा रहा, तो ऐसे शख्स को साल में एक बार या दो बार ऐसे शख्स आपको मिल जाएं तो काले रंग का जूता, काले रंग के लेदर का जूता आप उसके पैर में पहना दें। इससे भी उस मतलब उसके मन से जो दुआएं निकलेंगी उससे भी आपको फायदा होगा। एक तीसरी रेमेडी है शनि के लिए, वो ये है कि जो सूखा नारियल होता है, जो गोला जिसको बोला जाता है पूरा, जो कि नॉर्मली हम शगुन वगैरह में देते हैं, वो पूरा लेना है अंदर का, उसका जो फल है उसके शेल के अंदर का जो फल है जिसको खाया जाता है वो पूरा लेना है, उसमें एक पेंसिल साइज का होल कर देना है, पेंसिल साइज का, जिसमें एक हमारी एक उंगल जो है फिंगर चली जाए, हमारी उंगली एक उस साइज में होल में चली जाए। तो 5 मेवे लेने हैं 50-50 ग्राम, वो 5 सूखे मेवे आप कोई भी ले सकते हो अपनी अपने चॉइस के अनुसार, और उसमें 50 ग्राम ही शक्कर डाल देनी है, शक्कर या चीनी, इन सबको बारीक पीस के उसके अंदर भर लेना है। उसके अंदर भरने के बाद जो है आप उसको जो बाकी अगर उस वो मटेरियल बच जाता है जो मेवे और शक्कर चीनी का मटेरियल है उसको आप साथ में रख लें, और किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं और उसकी जड़ में इसको ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे उसको लगाना है कि उसका जो सुराख है, जो जिस जहां से हमने ये सारा कुछ डाला था वो ऊपर से नजर आए, बाकी सारा वो जमीन के अंदर हो, और जो बचा हुआ मटेरियल है, जो बचा हुआ वो मटेरियल है जो मेवों में से बच गया, मेवे शक्कर का जो मिश्रण है उसमें से बच गया, उसको स्प्रेड कर देना वहां पे आसपास। आपने नोटिस किया होगा कि पीपल पे एक कीड़े होते हैं जो नॉर्मल किसी भी पीपल के पेड़ पे आप देखोगे, सर्दियों में तो नहीं होते, तो ये रेमेडी नॉर्मली गर्मियों में ट्राई करें, बरसात के आसपास तो बहुत आपको नजर आते हैं, ये थोड़ा बड़े वाला कीड़ा होता है, वो ये उनका उनको भोजन प्रोवाइड करने का एक तरीका है। और एक चीज का ध्यान रखें कि उस जो नारियल हमने दबाया है उसके वहां पे स्प्रेड करने के बाद, सारी ये जो बची हुई सामग्री और नारियल को गोले को दबाने के बाद उसके ऊपर कोई पत्थर या थोड़ी भारी चीज, ईंट पत्थर रख दें ताकि कोई कुत्ते वगैरह उसको ना निकाल सके। अब जैसे जैसे वो जो कीड़े हैं उसको वहां से खाएंगे तो आपको इसका इफेक्ट जो है ये शनि का जो इफेक्ट है वो थोड़ा मिटिगेट होता है। तो इसके अलावा कुछ रेमेडीज और भी हैं, जैसे हनुमान चालीसा का आप जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा के साथ अगर राम रक्षा स्तोत्र या राम जी का कोई पाठ आप करते हैं तो उसका इफेक्ट प्रॉपर होता है।
फिर शनि इसके अलावा जो है बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। ये सब चीजें जो हैं शनि शनि के वक्त में, शनि की दशा में, शनि के अष्टम कंटक या साढ़े सती में, ये सब रेमेडीज की जा सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसको इस वीडियो को इंग्लिश में भी बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। पर मैं आपसे वो जाने से पहले जो है मैं वो सेवा के बारे में, एस्ट्रो पामेस्ट्री जो है लाल किताब की जो सेवा के बारे में बात होती है, अगर हम जोड़ा घर में जाके सेवा करते हैं या उसमें हैं तो वो उसका इफेक्ट लगभग लाल किताब मानती है कि 6 से 7 ग्रह उसके साथ जो प्रभावित होते हैं वो आपके लिए जो है एक कह सकते हो कि एक सहायक के रूप में और आपकी जो है मददगार साबित हो सकते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं इस पे, ये जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया है वो इस पे डिफाइन किया गया है कि ये लाल किताब के एस्ट्रो पामेस्ट्री के मुताबिक उसके कुछ घर हैं जिनमें 6, 8, 12 और 11 ये 4 घर हैं और इनके अलग अलग मालिक और इनका इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको इसमें से मिल जाएगी। और इसको मैं जब ये वीडियो अपलोड होगी इसके कमेंट सेक्शन में भी इस जो ये स्क्रीन का जो पार्ट है ये मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों अब इजाजत दें तो अब फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ ज्योतिष और ज्योतिष के बारे में।